keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. क्या थॉर है अब अनवर्दी? ऐसी कौन सी खास कंडीशन है जो कि जेन फॉस्टर को वर्दी बनाती है? थॉर 4 मूवी में कौन सा बड़ा कैमियो होने वाला है? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में, और आज हम बात करेंगे मार्वल के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर एस गार्डियन गॉड ऑफ थंडर थॉर के बारे में, जिनकी फोर्थ सोलो मूवी थॉर लव एंड थंडर नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है। थॉर लव एंड थंडर मूवी को लेकर जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है फैंस के लिए, वो ये है कि थॉर 4 मूवी में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम देखने को मिलेगी, और इस बात को खुद गार्डियंस की स्टार कास्ट ने कंफर्म किया है। अभी तक सिर्फ उनकी मौजूदगी के बारे में रिवील किया गया है, लेकिन उनका क्या स्क्रीन टाइम होने वाला है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई है। एवेंजर्स एंडगेम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में थॉर अर्थ को छोड़कर गार्डियंस के साथ उनकी स्पेसशिप में वहां से निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कैमियो तो एक्सपेक्टेड ही था गार्डियंस की स्टार कास्ट से। थॉर लव एंड थंडर की स्क्रिप्टिंग में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के डायरेक्टर जेम्स गन ने थॉर 4 के डायरेक्टर वाईटीटी की हेल्प की है स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने में। थॉर 4 के डायरेक्टर वाईटीटी ने ये बात कंफर्म की है कि इस मूवी में जेन फॉस्टर माइटी थॉर कैरेक्टर का रूप लेंगी और म्योनीर को भी उठाने के वर्दी बन सकती हैं, ठीक जिस तरह कॉमिक्स में हुआ था। अगर ये सीन लॉजिकली मूवी में दिखाया जाता है तो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग जेन के पास ये एबिलिटीज सिर्फ तभी आती हैं जब थॉर अपनी वर्दीनेस की एबिलिटी को खो देता है, क्योंकि वाईटीटी ने क्लियरली कहा है कि थॉर 4 मूवी की स्टोरी लाइन को कॉमिक्स की माइटी थॉर स्टोरी लाइन से इंस्पिरेशन लेकर तैयार किया गया है। तो उस हिसाब से तो सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि फॉस्टर म्योनीर को लिफ्ट करे, और वो तब है जब थॉर म्योनीर को ड्रॉप करे। मूवी के टाइटल लव एंड थंडर से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि मूवी में थॉर के लव एंगल की तरफ हाईली फोकस रखा जाएगा, और वहीं थंडर डिपिक्ट करता है कि शायद इस मूवी में थॉर की सभी पावर्स और एबिलिटीज को यूज करने से वो अनवर्दी हो सकते हैं। अब ये मूवी ओवरऑल एक पावर पैक ब्लॉकबस्टर होने वाली है, ये बात तो कंफर्म है। आपको क्या लगता है, क्या थॉर इस मूवी में अनवर्दी होंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज़।